जब हम भारतीय नवजागरण में प्रवेश करते हैं तो ऐसे जननायकों की लंबी कतार दिखती है जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण हेतु अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उन्हें जननायकों में से एक हैं मौलाना मजहरुल हक, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए बिता दी। मौलाना मजहरुल हक ने अपना कार्य क्षेत्र सीवान जिले को बनाया था, जहां इस महान विभूति का अपना एक आशियाना भी है, जो लंबे समय से प्रशासनिक और राजनीतिक उपेक्षा का डंस झेल रहा है। कारण तो होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति में जब कमी आती है तो वो काम कभी नहीं हो पाता है। आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं या हमारे नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो लोग में इच्छा शक्ति है तो सब काम दिखाई दे रहा है, रोड दिखाई दे रही है, बिजली दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो एक नेता के लिए इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ईमानदारी से किसी चीज़ पर ध्यान दिया जाए तो काम तो रातों रात हो जाता है। देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल महान विभूतियों में से एक नाम है मौलाना मजहरुल हक का, जिन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। साल 1866 में पटना के बहपुरा नामक गांव में जन्मे मौलाना के बलिदान आदर्शों से नई पीढ़ी को अवगत होना जरूरी है। एक अमीर जमींदार के घर पैदा होने वाले मौलाना ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मौलवी सजाद हुसैन के घर पर ही ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद 1866 में मैट्रिक पास कर लखनऊ में उच्च शिक्षा के लिए कैनिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन उसी साल कानून की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए। वहां से कानून की शिक्षा लेने के बाद वह वापस 1891 में अपने वतन लौटे और यहां पटना में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शागिर्द तो नहीं थे महात्मा गांधी और सात बैरिस्टर एक लाइन के बैरिस्टरी लोन किया था, जिसमें जिना साहब थे, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब लोगों ने एक साथ इन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्टरी किया था। लोक आंदोलन का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था, न्यू वहीं रखी गई थी इंग्लैंड में। उस वक्त जब बड़ी संख्या में छात्र सरकारी कॉलेज और स्कूल छोड़कर गांधी जी के भारत को स्वतंत्र कराने वाले आंदोलन से जुड़ रहे थे, तब मौलाना ने पटना में एक स्थान खरीदकर छात्रों की शिक्षा जारी रखने में मदद करते हुए सदाकत आश्रम नाम से अस्थायी आवास की स्थापना की। जी, यह हिंदू मुसलमान एकता में बहुत ही ज़्यादा इनका ध्यान रहता था, गरीब परवर इंसान थे, और कर्नाटक में जब सुखाड़ पड़ा था तो उस टाइम में इन्होंने बहुत जाके वहाँ वर्क किया पानी के सिलसिले में। तो इनके इतिहास से सब जानकारी मिलती है कि कट्टर देशभक्त हैं और हमेशा इनकी सोच पहले भारत रहा करता था, उसके बाद से भारत की आवाम रहती थी, उसके बाद से ही अपने परिवार के बारे में सोचते थे। वो भी परिवार के बारे में तो उतनी सोच नहीं थी जितना भारत के नागरिकों के बारे में सोच रही थी इनके, जो बाद में जाकर अखिल भारतीय कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय बना। गांधी जी के साथ लंदन में पढ़ाई करते हुए ही मौलाना और महात्मा गांधी के बीच राजनीतिक नज़दीकियां शुरू हुई थी। 1897 में सारण के अकाल के दौरान मौलाना ने राहत कार्य चलाया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन में विशेष भूमिका अदा करने वाले मौलाना ने 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों से आज़ादी पाने के उद्देश्य से अपनी आवाज़ बुलंद की थी। हम भूल गए इनकी विरासत को दोस्तों, अपने ही शहर में बेगाना हुआ गालिब। जी हाँ, यह बात बिल्कुल फिट बैठती है हमारे देश के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाने वाले मौलाना मजहरुल हक की। मौलाना मजहरुल हक देश की आन बान शान थे, जिन्होंने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को एक बड़ी पहचान दी थी। जहाँ भी हिंदू मुस्लिम राइट होने की संभावना होती थी, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते थे, वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेकर गांधी जी के साथ निकल पड़ते थे मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक की अगर हम बात करें तो ये गांधी जी के साथ रहने वाले उनके शागिर्द थे और एक ही साथ इन्होंने इंग्लैंड में अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। लेकिन आज उनका ये आशियाना जो फरीदपुर में है वो आज भी पड़ा हुआ है यूं ही बेगाना। कारण ये है कि सरकार आज भी उपेक्षापूर्ण नीति के कारण यहाँ पे कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई है जो चाहिए। आज इनका परिवार यह चाहता है कि अब सरकार उनके लिए कुछ ना करे,
क्योंकि अब उनका परिवार और उनके बच्चे, उनके पोते परपोते ही इतने काबिल हैं कि इस आशियाने को खूबसूरत बना सकते हैं। ऐसे में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति निश्चित रूप से कई सवाल खड़ा करती हैं।